Hi, welcome again to Nimbus Learning powered by Engineers Academy and today's session is about RSM SSB. आपको पता है लॉकडाउन से पहले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो RSM SSB की जूनियर इंजीनियरिंग की जो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई थी आपको सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल थे जो कि WRD PHED और दो तीन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई थी जिसके की फॉर्म की लास्ट डेट 4th of April थी जो कि लॉकडाउन की वजह से वो फॉर्म फिर 4th of April को बंद हुए। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को फिल नहीं कर पाए। कल ही एक नया नोटिफिकेशन आया है कि उनके फॉर्म्स को फिल करने के लिए वापस से स्टार्ट किया है। तो आज हमें यही डिस्कस करना है कि उन फॉर्म्स की डेट क्या है और इंजीनियर्स अकेडमी में जो बैचेस चल रहे थे या इंजीनियर्स अकेडमी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी या बुक्स जो हम प्रोवाइड करवा रहे थे उनको अब हमने किस तरीके से रीअरेंज किया है। यदि आप इंजीनियर्स अकेडमी के स्टूडेंट किसी भी कोर्स में इनरोल थे तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता है कि RSM SSB के लिए जब ये कोर्स आया था तो 4th of April जब एग्जाम था जब इसकी लास्ट फॉर्म की डेट थी। अब इन्होंने वापस से ये फॉर्म ओपन किए एंड दे आर सेइंग कि 24th of June से हम वापस से एग्जाम फॉर्म फिल करवा सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं मतलब करवा ही रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि 24th of June से 8 जुलाई तक जिन स्टूडेंट ने वो चांस मिस कर दिया था, जो स्टूडेंट उस टाइम पर फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और एक्स वाई जेड रीजन, दे नाउ दे आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी कि वापस से वो RSM SSB के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसी के लिए हमने वहां पर दो तरीके के इंजीनियर्स अकेडमी ने बैचेज चलाए थे। एक हमारे ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे थे और लॉकडाउन के बाद में हमने ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेज भी चलाए थे और पैरेलली हमने एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी थी। तो हम उसके बारे में देखें क्योंकि अभी पता है कि कोचिंग और कॉलेज और स्कूल्स को अभी तक भी परमिशन नहीं मिली है, दैट्स व्हाई ऑफलाइन बैचेज अभी नहीं चल रहे हैं। लेकिन जितने भी जो ऑफलाइन के स्टूडेंट थे उन सबको हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया था, ये सबको आपको पता है और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। और जो स्टूडेंट जिनको अभी तक भी आइडिया नहीं था मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो निम्बस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल करें, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ले लें और वहां पर क्लासेज को एंजॉय करें जो स्टूडेंट ऑफलाइन के थे। जो स्टूडेंट ऑनलाइन के उनकी क्लासेज अभी चली रही हैं। अब मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि जो ऑनलाइन की जो क्लासेज चल रही हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, उनमें कंप्लीटली लाइव क्लासेज चल रही है, मतलब जैसे आप वैसे ऑफलाइन में जिस तरीके से टीचर से पढ़ते थे उसी तरीके से 100% ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। 24/7 देख सकते हैं, अनलिमिटेड आप देख सकते हैं, लाइव रियल टाइम आप डाउट पूछ सकते हैं, ये सारी की सारी फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल है। तो यदि आप इंजीनियर्स अकेडमी के ऑफलाइन के स्टूडेंट थे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, यदि आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं निम्बस लर्निंग पर तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको ये पता होगा कि हमने उसी टाइम पर एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, दैट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज फॉर RSM SSB, जिसमें 4 टेस्ट हो भी चुके थे जिसमें आप लोग सेंटर पर आते थे टेस्ट देते थे, शाम को हम YouTube पर लाइव सॉल्यूशंस का डिस्कशन करते थे। वो टेस्ट सीरीज का वापस से टाइम आ गया है रीस्टार्ट करने का, लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही है कि ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हम उस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन टर्न कर रहे हैं। आपके पास में उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये इन्फॉर्म कर दूंगा कि उस टेस्ट सीरीज का अब रिवाइज्ड शेड्यूल क्या होगा, वो टेस्ट सीरीज कब होने वाली है, कैसे उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, कैसे आप पेपर देंगे और पूरी उसके डिटेल का मैं कुछ एक वीडियो दूसरा बना के मैं आपको डिटेल दे दूंगा। बट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस टेस्ट सीरीज फ्रॉम मिड ऑफ जुलाई, अगले महीने में, मतलब 15-20 जुलाई के आसपास तक हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। उसका एग्जैक्ट डेट एंड शेड्यूल वी विल रिलीज सून। तो जिन स्टूडेंट ने इंजीनियर्स अकेडमी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब वापस से वो टाइम आ गया है जब हम कंटिन्यू हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। और जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने वो टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, जो अब टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट पर onlineengineersacademy.org पर जाके ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं क्योंकि अब ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल है जो 2-3 दिन से उस पर पोर्टल पर आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे कमेंट में भी बार बार डाल रहे हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए बुक्स का क्या करें, तो मैंने पहले आपको बताया था कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही RSM SSB और स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बुक निकाली थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये बुक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी है लेकिन क्योंकि मेजर वैकेंसी सिविल की थी तो सिविल के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस बुक की सारी बातें बताई थी, लेकिन 2-3 पॉइंट पर मैं डिस्कस कर लेता हूं कि इस बुक में अराउंड 7600 प्लस क्वेश्चन है, 7600 प्लस क्वेश्चन है। एंड खास बात यह है कि इसमें SSC JEE के क्वेश्चन नहीं है, 10-20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, लेस देन 1% होंगे तो होंगे, तो 99% क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स लेवल के,
एरर फ्री बुकलेट है। आपको मार्केट में इतने यूनिक क्वेश्चंस के साथ किसी पब्लिकेशन की कोई भी एरर फ्री बुकलेट आपको नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट, इसमें जो इंग्लिश और हिंदी वर्जन है वो बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब, यदि मान लीजिए आप बीएमसी पढ़ रहे हैं, बीएमसी का ब्रिक पढ़ रहे हैं, और ब्रिक में यदि 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन जो हिंदी में है वो की वो इंग्लिश में है। मतलब जो डिप्लोमा और डिग्री में जो कंफ्यूजन रहता है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट कहते हैं सर मेरे को हिंदी में पढ़ना है, मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, कोई कह रहा है इंग्लिश में, तो हमने बिल्कुल हूबहू उसको उसी तरीके से बनाया है कि इसमें भी 7,600+ क्वेश्चन है, तो उसमें भी उतने ही क्वेश्चन है। तो ये इस बुक की यूनिक बात है। यदि आप चाहते हैं कि ये बुक आपको परचेज करनी है या आपको लेनी है, तो हमारी ईए पब्लिकेशंस की वेबसाइट eapublications.org पर मिल जाएगी, या फ्लिपकार्ट या अमेजन से इसको परचेज कर सकते हैं। एंड हाँ, जो स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी के या निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट हैं, या आने वाले टाइम पर कोर्स लेने वाले हैं, या जो पहले के स्टूडेंट हैं, उनको ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। उनके लिए बुकलेट ये कोर्स के मॉड्यूल में इंक्लूड है। तो जो स्टूडेंट जो केवल बुकलेट लेना चाहते हैं, वो इस वेबसाइट पर जाके इस बुकलेट को देख सकते हैं। दीज आर द ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस RSM SSV बैच। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको सारी की सारी डिटेल, किससे रिलेटेड, जो RSM SSV के बैच थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी फॉर्म रीओपन हुए एंड यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म। फॉर्म फिल करें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। अराउंड अराउंड 1000+ वैकेंसीज हैं, जो कि बहुत ही रेयर चांस में इस टाइप की वैकेंसी है। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। मेरी सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी। जो स्टूडेंट आना चाहेंगे पेड कोर्सेज में, वो पेड कोर्सेज में आए, और बहुत सारी फ्री क्लासेज चल रही है, उनमें भी आप चाहें तो यूट्यूब पर क्लासेज को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को और स्कूल्स को या स्पेशली कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन मिलेगी और हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस को, तो वी विल इन्फॉर्म यू। उस टाइम पर हम फिर ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ का इंजीनियर्स एकेडमी का निम्बस लर्निंग का बेस्ट फीचर आपको पता है, यदि अभी आप अपने लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, देन जस्ट इनरोल इनटू ऑनलाइन क्लासेज। कई सारे बेनिफिट हैं, आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। एक आपके यदि जियो का भी नेटवर्क है, तो भी आपके आराम से 1.5 GB में आपकी अच्छी खासी क्लास चल जानी है, नोट्स आपको मिल जाने, डाउट हो जाने, 24/7 देख सकते हैं, रियल टाइम डाउट पूछ सकते हैं। एंड द ब्यूटीफुल फीचर इज, आपको 2 महीने बाद 1 महीने बाद ये लगे सर मेरे को ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, डोंट वरी, जस्ट टर्न अप योर कोर्स इनटू ऑफलाइन एट एनीवेयर इन इंडिया, जहां पर कि ये कोर्स हमारा अवेलेबल है। किसी भी सेंटर, 20+ सेंटर है आपको पता है, किसी पर भी जाके आप अपने कोर्स को टर्न अप करवा सकते हैं बाय द पेइंग ऑफ डिफरेंस फी। तो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, जस्ट एंजॉय द क्लासेस, गुड लक, थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।